हेलो बच्चों, यह जो है क्लास फोर का चैप्टर नंबर एट है एबीएस सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर एट करेंगे, जिसका कि नाम है रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में मैंने जो है कि इससे पहले के चैप्टर्स को करा दिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर से देखें। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है और भी इस तरह के अच्छे वीडियो मिल सकें और आपकी तैयारी जो है बहुत ही आसानी से हो सके। तो बच्चों, यह जो चैप्टर एट है, चैप्टर सिक्स और सेवन के ही कंटिन्यूएशन में है। एक चैप्टर स्टार्ट हुआ था चैप्टर सिक्स और सेवन, उसको आप ज़रूर से उस वीडियो को देखिए, तभी जाके ये वीडियो आपको समझ आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो आप ही की तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या है। रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, तो यहाँ पे है कि आफ्टर लॉन्ग जर्नी जो उमाना है वो जो है पहुँचती है कौन से स्टेशन, कत्तायम। एक लंबी जर्नी के बाद जो है उमाना और उसकी फैमिली पहुँचती है कुट्टायम, और वो जब कुट्टायम पहुँचते हैं तो वहाँ से जो है कि उसकी वैली अम्मा मीन्स कि उसकी नानी का घर जो है पास ही होता है, और वहाँ से वो लोग जो है स्टेशन से दो ऑटो रिक्शा करते हैं, और उसमें उनका बहुत सारा सामान होता है, और उस ऑटो रिक्शा को करके वो जो है वैली अम्मा के घर पर पहुँचते हैं। ठीक है, जब वो जर्नी के लिए निकले थे तो उनके साथ जो है उनके फादर के साइड की फैमिली और मदर के साइड की फैमिली भी थी। तो मदर के साइड की फैमिली जो है कुट्टायम से है, और वो लोग वहाँ पे उतर जाते हैं सभी लोग और नाइट को रुकते हैं। फिर अगले दिन जो है सुबह वो लोग निकल जाते हैं ग्रैंड मदर के मीन्स की दादी के घर के लिए। ठीक है, ग्रैंड मदर हाउस के लिए। ठीक है, तो यही इस स्टोरी में बताया गया है कि जब वो लोग कुट्टायम पहुंचते हैं, वहाँ पे आराम करते हैं, और नेक्स्ट सुबह जब निकलते हैं तो वो लोग जो है ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, और बच्चों को ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके स्टोरी के माध्यम से ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि कैसे हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, हमें कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज करने होते हैं, और उन ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कितने पैसे के टिकट लगते हैं। ठीक है, और हमें ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते टाइम क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो जो है कि उमाना के मदर और फादर जो है बस पकड़ते हैं, और बस में जो है बस में कंडक्टर आता है, तो कंडक्टर जो होता है बच्चों बस में कंडक्टर आता है उसे उस और वो हमें टिकट देता है और उसके पैसे लेता है, कि मीन्स कि हम बस से एक स्टॉप से नेक्स्ट स्टॉप जहाँ भी हमें जाना है तो उसकी एक निश्चित फिक्स अमाउंट टिकट होती है पैसे की, और वो हमें पे करनी होती है। तो और बसों की स्थिति यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि बस में जो है लोग बहुत ही ज़्यादा भर भर के जाते हैं, मीन्स कि जितनी सीट होती है उससे ज़्यादा लोग उसमें बैठ चढ़ जाते हैं, और बैठने में दो लोगों की सीट है उस पर तीन लोग बैठते हैं, और कुछ लोग खड़े भी होते हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं भी आप जाइए आपको ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो है जब वो लोग नेक्स्ट स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ भी उनकी जर्नी ख़त्म नहीं होती, वहाँ पे वो लोग जो है फेरी जो कि एक छोटी बोट होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि केरला में जो है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको रिवर क्रॉस नदी क्रॉस करना होता है, और उस नदी को क्रॉस करने के लिए और उस रिवर को क्रॉस करने के लिए उन्हें जो है फेरी पे ट्रांसपोर्ट करना होता है, फेरी पे बैठना होता है। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ द फेरी, तो वहाँ पे वो लोग वेट करते हैं फेरी का, और जैसे ही फेरी आती है, बोट जैसे ही आती है तो उस पे जो भी लोग बैठे होते हैं वो इस किनारे उतर जाते हैं, और फिर जो दूसरे लोग जिनको दूसरे किनारे जाना होता है वो फेरी पे बैठ जाते हैं, और फिर वो फेरी से फेरी
पे ट्रेवल करने के लिए भी उन्हें टिकट खरीदना होता है, टिकट खरीदते हैं और उसके बाद वो जाते हैं। जस्ट बिफोर द सन डिसअपीयर इनटू द वाटर, जैसे ही सनसेट होने वाला होता है द फेरी रीच द आइसलैंड एंड स्टॉप। ठीक है, जैसे ही सनसेट होने वाला होता है, जैसे ही शाम होने वाली होती है, तभी जो है फेरी रुक जाती है और वो लोग स्टॉप पे पहुंच जाते हैं। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट अप, और यह टाइम होता है वहाँ से उतरने का। एट लास्ट वी रीच्ड अम्मा पे प्लेस, व्हाट ए लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, और यह जो है एक बहुत ही लंबी जर्नी रहती है। उसके बाद बच्चों इसमें जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर कराया गया है। ओमाना ट्रेवल बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर सी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कैन यू रिमेंबर व्हाट दिस वेयर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है ये मैंने आपका करा दिया है। ओमाना ट्रेवल बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्ट, ओमाना जो है ट्रेवल करती है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आफ्टर केम आउट ऑफ द ट्रेन व्हाट दीज आर, जब वो ट्रेन से उतरती है तो उसके बाद वो कौन कौन से ट्रेवल कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज करती है। तो आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम द ट्रेन, जब वो ट्रेन से उतर जाती है तो ओमाना जो है ट्रेवल करती है, पहले तो ऑटो रिक्शा से वो जो है कि वेलियम्मा के घर जाती है, फिर वहाँ से निकलते हुए वो बस का यूज करती है और उसके बाद वो फेरी का यूज करके पहुँचती है अम्मास प्लेस। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल, तो ये आपका से पर्सनल क्वेश्चन है कि आपने इनमें से कौन कौन से व्हीकल पे ट्रेवल किया है। तो मुझे लगता है सभी बच्चों ने ट्रेन पे, बस पे, रिक्शा पे और बोट पे ट्रेवल किया होगा। विच राइड डिड यू इंजॉय मोस्ट, कौन सी राइड आपको ज़्यादा इंजॉय कराती है। तो बोट जो है, क्योंकि नो डाउट वाटर में ट्रेवल करना सबको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमाना लेफ्ट हाउस, ओमाना जो है 16 मई को अपना घर छोड़ देती है और 17th मई को जो है वो तो उसे जो है अम्मा के प्लेस तक पहुंचने में कितना समय लगता है ये पूछा है। तो यहाँ पे हमने बताया है इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 36 आवर टू रीच, क्योंकि जब वो सुबह में छोड़ती है सुबह के 7-8 बजे सुबह में अहमदाबाद से, जब वो 7-8 बजे घर छोड़ती है और फिर 9-10 बजे वो जो है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ती है, वहाँ से वो नेक्स्ट डे के रात में 11 बजे जो है कि वेलियम्मा के हाउस कोटयम पहुंचती है, तो वहां तक उसको 36 आवर लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से जब वो जाती है अम्मा के प्लेस तक, तो वहां से भी उसको वेलियम्मा हाउस एंड फ्रॉम देयर इट टेक्स अबाउट द 8 आवर टू रीच द अम्मा प्लेस, और उसके बाद उसको वहां से 8 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड वेयर, क्या आपने कभी लंबी जर्नी की है और कहाँ पे। तो यस, फ्रॉम अनारसी टू बेंगलुरु, ये आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी, तो आपकी जर्नी कितनी लंबी रही है। तो यहाँ पे है कि हाउ लॉन्ग योर जर्नी टेक्स, तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स लगते हैं फ्रॉम बनारसी टू बेंगलुरु जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी हैव टू बाई टिकट, यहाँ पे BUI है, BU, और कौन से ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करने के लिए हमें जो है टिकट खरीदना होता है। तो हाँ, हमें जो है एयरप्लेन से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बोट से ट्रेवल, बुलक कार्ट से ट्रेवल करने के लिए हमें जो है टिकट खरीदनी होती है। समटाइम वी नीड टू बाय टिकट टू इंटर द प्लेस विच आर दे, मीन्स कि कभी कभी हमें किसी जगह पे इंट्री करने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो वो कौन सी जगह हो सकती है, तो वो पार्क हो सकता है, साइंस पार्क हो सकता है, जू हो सकता है, म्यूजियम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस होते हैं। तो जो आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर भी कराए थे वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द रेलवे टिकट, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर। ठीक है, तो यह जो है रेलवे टिकट होता है और इस पे जो है ट्रेन नंबर होता है, इस रेलवे टिकट पे ट्रेन नंबर होता है, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी होता है, द बर्थ नंबर होता है एंड द फेयर, कितने पैसे आपने दिए हैं। तो डेट ऑफ द जर्नी यहाँ पे है, यहाँ पे रहती है, और आपको जो है कि
जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये है, ये जो है कि ट्रेन नंबर है और फेयर कितने लगे हैं और कितने लोगों के हैं, और इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसमें देख लेते हैं। यह जो है इसमें, अगर ये इसको आप ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा, इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक जाना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, तो यहाँ पे जो है कि रहता है ट्रेन का नंबर हो गया, और ये 24 और ये कब स्टार्ट हुई है, सॉरी टिकट नो रिफंड, हाँ, यहाँ पे रुपीस दिए हैं कि फेयर कितना है, ठीक है, और ये जो है इतने रुपए आपको लगे हैं, 257.8 ओनली 2000, ये जो है कि रुपए कितने लगे हैं ये यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जानकारी दी हुई है कि इस ये जो रेलवे टिकट होता है इस पे ट्रेन का नंबर होता है, द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी है, बर्थ नेम एंड द फेयर, ठीक है। तो इस पे ये इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो है वो है राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। तो आप टिकट से है जो है ट्रेन का नेम, ट्रेन नंबर, आपकी टिकट कितने पैसे लगे, और जो है कब कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई है, कौन से स्टेशन तक जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब माना जो है अपना ट्रेवल स्टार्ट करती है तो वो कौन कौन से स्टेशन से होके जाती है, तो उसको सर्कल करना है, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, वो गांधीधाम से नहीं, वो जो है कि अहमदाबाद से शुरू करती है, फिर वलसाड होते हुए फिर मड़गांव, उडुपी, काजीकोड और फिर कोट्टायम, ये सब होते हुए वो जो है अपने अम्माज के प्लेस तक पहुंचती है, ठीक है। सर्कल द नेम ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन इन द ओमानाज डायरी, ठीक है। तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, सर्कल कर दिया कि कौन कौन से स्टेशन से होकर वो गुजरी है, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन जो है कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, तो ट्रेन जो है अहमदाबाद स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, हाउ मेनी मिनट ट्रेन स्टॉप एट द अहमदाबाद स्टेशन, बड़े स्टेशनों पर ट्रेन कितने देर रुकती है, 5 मिनट से 10 मिनट रुकती है, और जो छोटे स्टॉपेज होते हैं वहाँ पे 2 मिनट रुकती है, ऑन विच डे ऑफ द जर्नी ट्रेन रीच टू द मड़गांव, तो जर्नी जो है 16 को स्टार्ट होती है और 17 मई को जो है सुबह में ट्रेन मड़गांव पहुँचती है, तो सेकेंड डे हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर भी मैंने इसमें बहुत ही अच्छे से करा दी है, सुनील अन्ना गॉट ऑफ द टेम स्टेशन, ये जो उसके ट्रेन के साथ ही रहते हैं वो वहाँ पे उतर जाते हैं, माना गॉट ऑफ एट द कोटेम स्टेशन, हाउ मैनी मीन्स कि उसके सुनील और उसके साथी जो रहते हैं, सुनील और अन्ना जो उसके साथी रहते हैं ओमाना के, वो काजीकोड स्टेशन पे उतर जाते हैं और ओमाना जो है कोटेम स्टेशन पे उतरती है, हाउ मैनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच द कोटेम फ्रॉम द काजीकोड, तो ये जो है शाम के 6 बजे से लेके और वो जो कोट्टायम पहुँचती है 11:30 पे, तो ये कितने आवर्स हो गए, 5.5 आवर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, और यह जो है डिस्टेंस पूछ रहा है कि अहमदाबाद से लेके उसके अम्माज प्लेस तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा है, उसको हम बता देते हैं, हाउ मैनी किलोमीटर डिड ओमाना ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, हाउ डूड यू लाइक टू कीप ए डायरी, वुड यू लाइक टू कीप ए डायरी, टेक ए नोटबुक और डायरी एवरी डे फॉर ए वीक, write about what you did, also write your thought and feelings, share your diary with your friends. तो बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज़
जो छूट रही है कि जो किलोमीटर में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे बतानी है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि कितने किलोमीटर की दूरी है वो। बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से हो गए हैं, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।